नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसकी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में राजा से वो मूवी चुतार बैग के बारे में बात करने वाले हैं जो बिहार अमीन के 10,101 पोस्ट पर बहाली निकल के आई थी, जिसमें पद है ASO अमीन कलर और कानून गो को। रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रही है, क्या अंदर में धांधली चल रही है? स्टूडेंट को 100 कॉल आया है कल से लेके अभी तक। सर आखिर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है? क्या सर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? सर अंदर क्या चल रही है, प्लीज सर अपडेट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। बिहार LRC रिजल्ट के रिगार्डिंग आपके मन में जितना भी सवाल है सारे सवाल के आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो आखिर विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, विभाग रिजल्ट कब जारी कर रहा है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगले दोस्तों विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, बहुत सारा अभी यूट्यूब पर ऐसे भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है लिंक। सर इसमें देखिए जो बताया जा रहा है 30 तारीख को, ध्यान से बोलिए 30 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो 30 तारीख के पटना चलना है सभी स्टूडेंट को, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना। तो दोस्तों हम यही कहेंगे प्रोटेस्ट करने से पहले एक बार आप लोग BCECE बोर्ड जाइए, वहाँ पता कीजिए सर आखिर रिजल्ट इतना देरी क्यों हो रही है, आखिर क्या कारण है, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। उससे क्या होगा, विभाग को भी लगेगा नहीं स्टूडेंट में जागरूकता है, स्टूडेंट खुद आया है, मीडिया का सपोर्ट नहीं लेना है, ध्यान समझ लीजिए। तो 30 तक अगर रिजल्ट नहीं जारी होती है, 30 तक अगर रिजल्ट नहीं जारी होती है उसके बाद हम लोग को नया कदम उठाना है, मेरा कहना यही हुआ। इसीलिए जो भी आपको अपडेट आ रहा है यही अपडेट आपको अभी देना है। और अभी आप अगर मीडिया में जा रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम यही कहेंगे जो भी स्टूडेंट है हमारे LRC के, जो भी स्टूडेंट है वे सभी स्टूडेंट एक बार खुद जाइए ऑफिस और एक बार बातचीत कीजिए विभाग से आखिर बिहार LRC का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो अपडेट निकल के आ रही है और बहुत सारा हम अभी देखें यूट्यूब पर वीडियो भी बना है जिसमें बताया जा रहा है 30 नवंबर को सभी स्टूडेंट को पटना चलना है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हम यही कहेंगे प्रोटेस्ट करने से पहले एक बार आप क्या कीजिए, जो स्टूडेंट खुद जाइए और एक बार विभाग में जाके पता कीजिए आखिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब अगस्त में एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी जारी हो चुका है, जब रिजल्ट बना हुआ है फिर देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों हम यही कहना चाह रहे हैं क्योंकि उसके बाद अगर 30 तक आपको रिजल्ट नहीं आती है तो 30 के बाद ही हम लोग को नेक्स्ट कदम उठाना है, आगे क्या करना है, नहीं करना प्रोटेस्ट करना है या ट्विटर कैंपेन करना है उसके बाद ही करेंगे। तो दोस्तों इसलिए है यह वीडियो बना के हम यही दे रहे थे क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट द्वारा कॉल और मैसेज किया जा रहा था, सर अंदर में धांधली तो नहीं चल रहा है, सर सेटिंग तो नहीं चल रहा है, इसी के कारण सर रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार विभाग के अंदर जाइए, ऑफिस में जाइए, पता कीजिए जो रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। उससे क्या होगा, विभाग को भी लगेगा स्टूडेंट में जागरूकता है, स्टूडेंट खुद आ रहा है, मीडिया का सपोर्ट नहीं ले रहा है। उसके बाद अगर 30 तक रिजल्ट नहीं जारी होती है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कदम उठाएंगे। फिलहाल अभी यही सभी स्टूडेंट को करना, उसके बाद अगर 30 तक रिजल्ट आती है तो ठीक है, 30 के बाद अगर रिजल्ट नहीं आती है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कदम उठाएंगे, उसके बाद हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और प्रोटेस्ट के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों यही जानकारी देने वाले थे जो कि आपको दे चुके हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।